graphene is my best bet for the next disruptive technology. सबसे थिनेस्ट लाइट बल्ब है जो कि ग्रेफीन से बना है। ग्रेफीन को हम अपनी पेंसिल में भी यूज करते हैं लिड के रूप में, लेकिन ग्रेफाइट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ग्रेफाइट और ग्रेफीन दोनों अलग अलग मटेरियल है। ग्रेफाइट से ग्रेफीन डिस्कवर्ड किया था एंड्रिज जीन, जिनको इसके लिए फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी मिला। Guys, so very special. From the very bottom of my heart. Thank you all. ग्रेफीन के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज डिस्कवर की गई है जो मिरेकुलस, सच एज मैग्नेटो रेसिस्टेंस। ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में इट विल रिप्लेस द सिलिकॉन इंडस्ट्री। अगर ऐसा होता है तो दुनिया की जो गेम है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी, क्योंकि सिलिकॉन आज हम जो भी चीज इलेक्ट्रॉनिक यूज कर रहे हैं उन सब में पाया जाता है। हर चीज में जहाँ पर चिप यूज हो रही है सिलिकॉन का उसमें यूज हो रहा है, और ग्रेफाइट में ऐसी प्रॉपर्टीज डिस्कवर की गई है जो सिलिकॉन को रिप्लेस करती है और बिजनेस पूरी तरह चेंज हो सकता है इन द फ्यूचर। अगर ये बैटरीज में यूज हो तो ये आपका फोन 5 सेकंड में फुल चार्ज कर सकता है। ऑलरेडी इसका यूज बुलेट प्रूफ जैकेट्स और स्पोर्ट इंडस्ट्री और कंक्रीट इंडस्ट्री में हो रहा है। जिस चीज का इतना फायदा होता है उसका नेगेटिव एस्पेक्ट तो जरूर होता है। इसका अभी तो नेगेटिव इफेक्ट है जो अभी तक साइंटिस्ट रिजॉल्व नहीं कर पाए। अगर ये एक बार किसी में यूज हो जाए तो ये टर्न ऑफ नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपके फोन में यूज हो रहा है तो आपका फोन बंद नहीं हो सकता, वो ज्यादा से ज्यादा पावर कंज्यूम करे। मगर मेनी ऑफ द साइंटिस्ट बिलीव दैट इन फ्यूचर इट कुड बिकम वंडरस मटेरियल। वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस नेक्स्ट।